हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। और अभी सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा ठंडी रहती है कि साल स्वेटर सब पहनना पड़ता है, लेकिन नहाने के बाद मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ क्योंकि पानी का काम रहता है ना, तो आगे आगे स्वेटर भीगने लगता है। और इन दोनों को देख लीजिए, कल मेरे यहाँ मेला था तो तुम्हारा 10 रुपए का सामान तुम्हारा प्लेन आर्मी की है। हाँ भाई, ये तो आर्मी जेट की है। अरे पिपीरी है। गाड़ियों से आपका मन नहीं भरेगा। मैं पिपीरी है। तुम पिपीरी के लायक ही हो। तुम खुद भी एक पिपीरी हो। सुनो सुनो, इसको पीछे बजाया करो जहाँ पर कोई ना रहा करे। घर में अच्छा नहीं लगता ना, पौं पौं की आवाज। कितने खिलौने आ चुके, एक भी खिलौने बचते नहीं है। सारे टूटे फूटे खिलौने इसी में भर जाते हैं। अभी ये बर्थडे का है, देखो बर्थडे का है। पापा हम चलाते, इसलिए टूट अपने आप टायर निकला है। अपने आप नहीं निकलता, बहुत दबा के चलाते तभी इसकी पहिया निकल जाती है। दोनों गाड़ियों का पहिया दोनों। और विराट को आज रात से ही थोड़ा सा फीवर था, तो ये स्कूल नहीं गए हैं। सम्राट स्कूल चले गए हैं। तो घर में जब बच्चे रहते हैं तो इनको कुछ भी नहीं रहता, बस स्कूल जाने के टाइम में इनको बुखार आ जाता है, जुखाम हो जाता है, इनको ठंडी लगने लगती है। ये सुबह में बोल रहे थे कि मम्मा हम स्कूल नहीं जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। और देखो घर में है ना, तो एक मिनट के लिए भी बैठते नहीं है कहीं पर। दवा खिला दिए हैं, तब से मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। जो भी हम काम करते हैं मेरे साथ करवाते रहते हैं। और अभी आपने देखा होगा, एक खिलौना और ये लिए थे, उसमें एक पन्नी टाइप में लगी है, तो जब पीछे से आप उसे फूंको ना तो उसकी पन्नी बहुत दूर तक जाती है, डंडे टाइप में। तो जब मैं आटा भर रही थी ना, तो बार बार मेरे मुँह के पास में वो कर रहे थे और हंस रहे थे। जब मैं कह रही थी इसको बाहर लेके जाओ, तो कह रहे थे मम्मा आपके मुंह पर ये जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और घर में जब बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत कचरा करते हैं। कितना भी इनको बोलो कि जो भी टॉफी वगैरह खाते हो पन्नी पीछे ले जाकर फेंका करो, लेकिन घर में ही फेंकते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, देखिए ये टमाटर का पेड़, यहाँ पर ना इसको पानी मिल रहा है और ना ही मिट्टी है, क्योंकि ये ऊपर छत टूटी हुई उसी में से ये पेड़ निकला था। लेकिन इसमें फल देखिए कितने सुंदर निकले हैं। और नीचे जितने भी सारे पेड़ हैं टमाटर के, उसमें एक भी फल नहीं है, ऐसे ही सब पड़े हुए हैं। और थोड़े बहुत जो निकलते भी हैं फल ना, वो बंदर की वजह से नहीं बचते हैं। लेकिन अभी इस टमाटर के पेड़ को देख करके याद आ गया है वो कहावत, वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। तो इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन बिना देख रेख के बिना सुरक्षा के इसमें इतने अच्छे फल निकले हैं। और हम आपको बताना भूल गए थे, आज मम्मी मामा के यहाँ जाएंगी, लड़की की शादी है। तो लड़की के लिए साड़ी लेना था ना, तो वही साड़ी मंगवाए हैं। दो साड़ी तो दुकान से मंगवाए हैं और दो तीन साड़ियाँ घर में रखी हुई थी, तो उन्हीं से मम्मी पसंद कर रही हैं। और एक साड़ी रखना है क्योंकि अभी दो तीन दिन बाद फिर एक जगह शादी, इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है। तो अगर लड़की की शादी रहती है तो फिर साड़ी देना पड़ता है, गिफ्ट है, और जो निमंत्रण में देना रहता है ना, रुपये पैसे भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग चलता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर साड़ी भी देना पड़ता है, साथ में आप लड़की के लिए पैसे भी देते हैं। तो वही सारी चीज़ें करनी है। तो मम्मी की सारी व्यवस्था मैंने कर दी है, इनकी पैकिंग मैंने कल ही फिट कर दी थी ताकि सुबह में इनको जल्दी ही जाना था। अभी 10-11 बज रहे होंगे, तो खाना भी मम्मी ने ही खाई है, खा भी लेंगे। राखी क्या करोगे? पहनेंगे। इन सब की जो राखी है ना, उनको मैं संभाल के रखती हूँ। ये देखो पूरे डिब्बे में राखी, एक राखी बताए इन लोगों की राखी कभी फेंकती नहीं। अब ये गलती से देख लिए हैं, देखो ये इसमें घड़ी बनी हुई है ना, तो कह रहे हैं मेरे राखी बांधो। ये अभी फेंक दोगे बाहर ले जा करके? फालतू में नहीं फेंके, मम्मा ला बंधवाओगे? हाँ बंधवा, इस हाथ से बांध दो, इस हाथ से जी बना। अच्छा एक सेकंड, इससे मेरे सामने कोई भूत नहीं आ सकता। गए सम्राट को दिखाने दौड़ते हुए, अभी वो भी आ रहे हैं, अभी वो कहेंगे मेरे लिए भी राखी ले आओ, हम भी बांधेंगे। देख लिया सब लोगों ने घड़ी आपकी, आपकी राखी और घड़ी सब देख ली। बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको स्कूल जाने में स्कूल लेके मत जाओ, सब लोग हंसेंगे आपके ऊपर। सम्राट पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, इनके स्कूल में राइटिंग का पेपर है। यूट्यूब लाओ दिखाओ, कहाँ बनाया हो यूट्यूब? देखे YouTube तुम्हारा? ये YouTube बना है। अरे Google है। दिख रहा है आप लोगों को?
गजब की क्रिएटिविटी है भाई। ये क्या है? क्रोम। ये क्रोम है और ये यूट्यूब है और ये गूगल है। ये गूगल है। मम्मी के जाने के बाद हम ज़्यादातर पीछे ही बैठे रहे क्योंकि गौ माता को देखना रहता है बीच बीच में। मम्मी रहती हैं तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करना रहता है। तो यहाँ पर आज बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को भी मैंने देखा और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। और घर में जब रहते रहो ना तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, और बाहर आ जाओ ना तो ये प्राकृतिक चीज़ें जो देखने को मिलती हैं ना, तो इनको देखते देखते फिर घर जाने का मन नहीं करता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप सबको भी दिखा दूँ। और गौ माता बार बार चिल्ला रही थी मम्मी के लिए, बार बार मम्मी को ढूंढ रही थी क्योंकि मम्मी ही हमेशा इनके साथ रहती है ना। और जानवर भी इतना तो समझते हैं ना कि हमारे देख रेख में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, तो मुझे तो बिल्कुल अनजानी नज़र से देखते हैं और मुझे डर भी बहुत लगता है। पास में चले जाओ ना तो बिल्कुल सर उठा लेती मारने के लिए। और आज अभी अभी मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि मन खुश हो गया और इतना खुश हुआ कि हम लोग मिलकर डांस करने लगे और मेरे बच्चे भी मेरे साथ लगे हैं। जब हम खुश होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा डांस करने का मन करता है, लेकिन वो क्या खुशी है वो आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, सीधा आपको कल दिखाऊँगी कल के वीडियो में कि क्या खुशी मुझे मिली है। तो अभी बस इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। इंजॉय हुआ है, हम लोग डांस करने के बाद में इतना ज़्यादा थक गए थे कि तीनों लोग एक साथ पूरे बेड पर फैले पड़े थे काफ़ी देर तक, और उसके बाद फिर उठे हैं तो हमने सोचा चलो अब खाने का इंतजाम कर लेते हैं। तो आज मुझे फ्रिज में बैगन मिल गया, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी चोखा बनाने के लिए लेकिन बैगन नहीं आ रहा था सही से, सड़े सड़े बैगन आते थे अंदर कीड़े लगे रहते थे तो फिर चोखा बनाने का मन नहीं करता था। लेकिन आज के बैगन बिल्कुल साफ़ क्लीन, और मैंने इनको देखिए तीन जगह से कट करके देख भी लिया है अंदर तक ताकि कोई भी कीड़े रहने का डर ना रहे, क्योंकि बैगन पकने के बाद में सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कीड़े की, और एक बार अगर कीड़े का ख्याल मन में आ जाए ना तो फिर बैगन का कोई भी सामान खाने का मन नहीं करता है। लेकिन ये पूरे बैगन बहुत अच्छे साफ़ सुथरे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो इनमें कट करने के बाद मैंने लहसुन और मिर्च इसमें भर दिया है, और उसके बाद टमाटर में भी और बैगन में भी थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया ताकि ये जब भुन जाए ना तो इनका छिलका ऊपर निकालने में कोई भी दिक्कत ना रहे, आसानी से चल जाए। तो अभी इसी गैस पर इनको भून लेंगे पलटते पलटते हुए, और देखिए बहुत अच्छे तरीके से भुन जाते हैं। और इनको भूनने के बाद में ठंडा करेंगे, उसके बाद इनको हम छिलके के पिंजड़े से आज़ाद करेंगे, अंदर वाला हिस्सा निकालेंगे इनका। तो ये जो चोखा हम बना रहे हैं बिल्कुल बिहारी स्टाइल चोखा है जो लिट्टी के साथ खाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ तो इसे मोटी रोटी के साथ खाया जाता है। तो अपने लिए मोटी रोटी बनाएंगे और सम्राट और विराट के लिए पतली रोटी बनाएंगे। इनका निमंत्रण है तो ये निमंत्रण में गए हैं, लेकिन जब ये भरता हम बना रहे थे, मतलब इस चोखे को हम लोग भरता कहते हैं, तो कह रहे थे मेरा भी खाने का मन हो रहा है, ऐसा करें निमंत्रण में ना जाए घर में ही खा लें। तो मैंने इनसे कहा तुम निमंत्रण जाओ, तुम्हारा चोखा घर में मिलेगा तुमको जब आओगे। तो अभी मैंने इसको मैश कर लिया है, आपने देखा होगा, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन मैंने क्रश करके डाला है, और उसके बाद एक खड़ी मिर्च डाली है, फिर थोड़े से महीन कटे हुए प्याज हैं, फिर धनिया की पत्ती डालेंगे, और इसके बाद फिर इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और उसके बाद खट्टे के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, और बस इसमें नमक मिला के मिला लेंगे। और बहुत लोग इसको फ्राई भी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल देसी स्टाइल का चोखा है, मेरे यहाँ गाँव में ऐसे ही चोखा बनता है, और सच बता रहे हैं ना ये जो भुनने वाला चोखा बनाते हैं उससे बहुत अच्छा बनता है ये। तो अपने लिए सबसे पहले मोटी रोटी बना के रख लेंगे और उसके बाद फिर पतली रोटी बनाएंगे, और आप लोग भी आ जाइए अगर आप लोगों को ये देसी स्टाइल चूल्हे की रोटी तो नहीं मिल रही है तो गैस की रोटी, लेकिन ऐसे ही हम लोग चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं चोखे के साथ में और बहुत अच्छी लगती है। तो इसके साथ में मैंने रखा है मक्खन, तो अभी मक्खन मिला के हम लोग खाएंगे। इधर देखो मस्ती चल रही है, बता रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना है आज। चलो रेडी।
कभी कभी ऐसे सिंपल खाना बनाकर खाने में ना जो टेस्ट मिलता है वो 12 व्यंजन बने होते हैं उसमें भी नहीं मिलता है। तो कभी कभी घर में मसाले, सब्जी, दाल, इन सबको छोड़ करके भरता या चोखा बना के खाइए ना, तो एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। तो यहीं पर आज मैं अपने वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस अभी सारा काम हो चुका है, सोने की तैयारी हो रही है, तो सब जगह के लाइट्स और दरवाज़ा वगैरह एक बार चेक करना पड़ता है रात होने से पहले, क्योंकि घर में हम औरतें जो होती हैं सबसे बाद में लेटती हैं ना, तो ये काम हमारा ही होता है। तो पूरे घर की लाइट बंद करना और एक बार ऊपर सीढ़ियों वाला दरवाज़ा चेक करना और जितने भी डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं बाहर जाने के, उन सबको एक बार चेक जरूर करना पड़ता है। तो मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही स्पेशल ब्लॉग आने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।